सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं समेत दूसरी परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन मंत्रालय के सूत्रों से खबर ये आ रही है कि जुलाई में परीक्षा होने की उम्मीद अब नहीं है। पहले आपको बता दें कि जुलाई की डेट्स दे दी गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में जवाब सौंपेगा मानव संसाधन मंत्रालय, और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से जुलाई में परीक्षा नहीं होने की ये आशंका है, जिससे कि कुछ परीक्षाएं जो है वो टल सकती हैं। लेकिन जो सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं उन के लिए क्या किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम्स भी बचे थे और जो एंट्रेंस एग्जाम थे उनको लेकर भी सवाल था। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारी सहयोगी ऋषिका बरुआ के पास। ऋषिका, ये जो जुलाई में एग्जाम के लिए पहले तो तारीखें निकाल दी गई थी, अब क्या कुछ इस स्तर पर खबरें आ रही हैं? क्योंकि जुलाई में अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं तो आगे कब तक उसको लेकर फैसला लिया जा सकता है? सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिल रही है कि कुछ एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन किए जाएंगे, जो एसेंशियल एग्जाम्स हैं जिनको कि कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अभी चर्चा चल रही है, ग्रेडिंग सिस्टम शायद वर्कआउट किया जाएगा, तो उसके बेसिस पे ये जानकारी मिल रही है कि शायद बोर्ड एग्जाम्स जो पेंडिंग है वो कैंसिल हो जाएंगे। बट एचआरडी मिनिस्ट्री के सूत्र हमें इस वक्त ये कह रहे हैं कि जुलाई में जो फर्स्ट टू 15 जुलाई जो परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं अब बहुत अनलाइकली है कि वो होंगी। आईआईटी जेईई और एनईईटी की परीक्षाएं भी जुलाई के लिए स्लेटेड थी, वो भी पोस्टपोन की जा सकती हैं। कल सीबीएसई का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा हियरिंग के लिए, और उस मामले से पहले, उस हियरिंग से पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है एक रिप्लाई ऑलरेडी तैयार कर लिया है जो कि वो सुप्रीम कोर्ट में कल सबमिट करेंगे। और सूत्रों अनुसार हमें ये जानकारी मिल रही है कि जुलाई में, जो कि सिर्फ 8 दिन दूर है, एग्जाम्स बहुत ही अनलाइकली। ऋषिका, एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि दिक्कतें अगर एग्जाम को कराने में हैं तो वो तो हर एक एग्जाम को करवाने में होंगी, और ऐसे में अब पहले ही जो सेशन शुरू हो जाना चाहिए था उसमें पहले ही देरी हो चुकी है, अब उसको कितना पोस्टपोन किया जा सकता है? और ये मेरा सवाल सीबीएसई से जुड़ा हुआ है, अगर 10वीं की बात है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, 12वीं की बात है तो फिर आगे सेशन तो अब शुरू नहीं होने जा रहा है फिर, और ऐसे में वो ग्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से बैठाया जाएगा? जो पिछले एग्जाम्स उन्होंने दिए, जो स्कूल के एग्जामिनेशन थे, उसके आधार पर फिर उनको प्रमोट किया जाएगा जैसे पहले कुछ खबरें आ रही थी? हमें ये जानकारी मिल रही है कि इंटरनल असेसमेंट और जो बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं उन दोनों को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का ये मानना है कि जो प्री बोर्ड की परीक्षा होती है वो ज्यादा कठिन होती है, जो मार्क्स दिए जाते हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ये इसीलिए होता है ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो बोर्ड परीक्षा के लिए और पढ़ें, बोर्ड परीक्षा उनको इजी लगे। तो प्री बोर्ड के मार्क्स जो है वो शायद नहीं कंसिडर किए जाएंगे, बट एक इंटरनल असेसमेंट, एक ग्रेडिंग मैकेनिज्म जो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें कि एक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और जो बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी हो गए हैं उनके मार्क्स को शायद कंसिडर किया जाए। बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स से सुझाव लिए गए हैं, स्टेट से कंसल्ट किया गया है। तो जो हमें सूत्र इस वक्त कह रहे हैं कि जो डिसीशन होगा वो पूरी कंट्री को अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट्स रेड जोन्स में एग्जाम नहीं होंगे, ग्रीन जोन में होंगे। जो जो डिसीशन लिया जाएगा वो पूरी कंट्री को सेम डिसीशन अप्लाई करेगा, सारे स्टेट को, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी कोरोना वायरस के नंबर्स या स्थिति क्या है। जी ऋषिका, क्या कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा जिसमें सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है, क्या उससे पहले औपचारिक ऐलान भी आज हो सकता है? नहीं, अभी हमें सिर्फ सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि जुलाई एग्जाम्स आर अनलाइकली, ये कहा गया है हमें, और ऑफिशियली जो रिप्लाई जारी किया जाएगा वो कल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। बट ये भी हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से भी फाइनल डिसीशन जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री को ही लेना पड़ेगा, और हमें ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों अनुसार कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं इस हफ्ते में हुई हैं, सारे स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर से बात की गई है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूजीसी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन मिनिस्टर ने सब स्टेक होल्डर्स से सजेशन मांगे। उन्होंने बहुत सारी लाइव, यू नो, फेसबुक लाइव टाइप के इवेंट्स भी किए हैं पिछले एक महीने में, सुझाव मांगे हैं टीचर्स से, प्रिंसिपल से, कि उनका क्या है, किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि हर मीटिंग में
हर ब्रीफिंग में यही बताया जा रहा है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी पैरामाउंट. सेफ्टी, स्टूडेंट सेफ्टी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा जो भी निर्णय लिया. बहुत शुक्रिया ऋषिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए. तो यही बात अभिभावक भी उठा रहे थे और उनका कहना था कि बच्चे अगर एग्जाम देने के लिए बाहर निकलेंगे तो उनके लिए खतरा हो सकता है, और इसी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एग्जाम ना कराए जाएं. तो फिलहाल ये लग रहा है कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो सकती है, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है.